अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एयर कंडीशनर में लगे हुए इन सेंसर्स को, जिसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, इन्हें कैसे टेस्ट किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा, बेसिकली वीडियो इसलिए ये बन रही है कि अक्सर टेक्नीशियंस क्या करते हैं, सेंसर फॉल्टी हो, कोई एरर आ रहा है, तो वो टेस्ट करने के लिए सेंसर हटा देते हैं और वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कोई भी रेजिस्टर लगा देते हैं, और मोस्टली 10K का लगाते हैं। तो 10K से नॉर्मली 10K ही हमारे यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ एयर कंडीशन 10K नहीं, वो 15K या फिर 20K या 25K के सेंसर भी इस्तेमाल करते हैं आउटडोर यूनिट में, इनडोर यूनिट में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो सेंसर है वो कितने जो है, इसकी जो रीडिंग है वो क्या है, मतलब कितने किलो ओम का हमारा सेंसर है, और इसको टेस्ट कैसे हमने फाइनली करना है। मतलब जस्ट आपने सिर्फ वहाँ से रिमूव करना है और मीटर से इसको फाइंड कर लेना है कि आपका सेंसर सही है या नहीं सही। तो आपको रेजिस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ख़राब है आप वक्ती तौर पर रेजिस्टर लगाएं, चेक करें, ठीक है आपका इसी अब सही चल रहा है, सेंसर तो आपने चेक कर ही लिया होगा मीटर से फिर कि सेंसर वाकई ही ख़राब है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर सेंसर ख़राब है तो आप हमेशा रेजिस्टर लगा के वक्ती तौर पर ज़रूर चेक कर लिया करें, लेकिन बाद में प्रॉपर काम करें, सेंसर ही लगाएं। अगर सेंसर नहीं लगाएंगे तो इसी आपका उस हिसाब से जल्दी ट्रिप नहीं करेगा, सेंसर को जो एयर है उसको सेंस नहीं कर पाएगा। चलिए, यहाँ पर मेरे पास दो तरह के सेंसर मौजूद हैं, जिसमें एक ये पाइप की तरह बना हुआ है जिसे कॉइल में लगा दिया जाता है, और ये एवेपोरेटर के ऊपर ही लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं, इसको हम रखेंगे रेजिस्टर पर, इसकी रेजिस्टेंस हमने चेक करनी है, तो ये रेजिस्टेंस पर मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर इसके दोनों पॉइंट्स पर मैं एक एक प्रोब अपनी मीटर की लगा लूँगा, तो यहाँ पर इसकी रीडिंग जो शो होगी, मैक्सिमम इसका जो टेम्परेचर हमारे इर्द गिर्द है अभी, वो होना चाहिए तकरीबन 26-27, तो वहाँ पर आपकी जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट सेंसर की, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी असल रीडिंग वो होगी। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, अभी वैसे टेम्परेचर इतना तो नहीं है क्योंकि अभी सर्दी है, लेकिन यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए ये है कि इसको आप जितनी हीट देंगे इसकी जो रीडिंग है वो चेंज होती जाएगी। चलिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पर इसकी नॉर्मल, यहाँ पर पहले कितनी रीडिंग आ रही है। तो प्रोब्स को अच्छे से लगा लेना है, मैं मीटर को यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे सही से, प्रोब्स को अच्छे से लगाना है ताकि रीडिंग हमें सही शो हो। इसको सॉरी, मैंने कंटिन्यू पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको मैं किलो ओम पर कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है ये रीडिंग अब हमें वैल्यू बताएगा इसकी। चलिए मैं इसको अच्छे से, दोनों प्रोब्स को मैंने टच कर दिया है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये 17 किलो ओम, ऊपर किलो ओम बताया जा रहा है। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, 17 किलो ओम इसकी रीडिंग आ रही है। अभी इसको अगर मैं हीट देता हूँ किसी तरह से भी, वाटर है तो वो बेहतरीन है, आप माइक्रोवेव में पानी को जो है इसको डाल दें, टिप कर दें। अभी ये गर्म हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, आप देख सकते हैं 17 था, तो मैं जैसे जैसे इसको मसल रहा हूँ हीट इसमें आ रही है, तो आप देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। अभी इसको मैं छोड़ दूँगा, इसकी रेजिस्टेंस अब बढ़ना शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में ही, जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, इसको आप पानी लगाएंगे, ठंडे पानी में टिप कर देंगे, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर ये काम करे ऐसे, मतलब रेजिस्टेंस आपको वैल्यू शो करें और फिर हीट मिलने पर इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो और ठंडा पानी उसमें अगर आप टिप करें तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाए, जैसे कि अभी नॉर्मल ठंडा ही हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा, तो इसकी ऐसा ऐसा रीडिंग बढ़ रही है, तो फिर ये सेंसर सही है। इसको साइड पर करते हैं, अभी हमारा सेंसर वो क्लियर हो गया, अभी ये सेंसर जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी इसको भी ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे, एक एक पॉइंट पर एक हम अपनी प्रोब लगा लेंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की आपको कोई परेशानी नहीं, आप लगा सकते हैं इजीली। इसकी भी लाइट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी रीडिंग भी हम, मैं इसको अच्छे से लगा लेता हूँ पहले, फिर हमें रीडिंग इसकी मिलेगी। यहाँ पर इसकी रीडिंग भी आप देख सकते हैं 7.27 इसकी किलो ओम में रीडिंग है। इसको भी अब मैं हीट करके देख लेता हूँ कि हमारा ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। चलिए, इसमें हीट आएगी जैसे ही, अभी आप देख सकते हैं हीट आ रही है तो इसका, इसकी वैल्यू जो है कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे हीट आ रही है इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे अब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हीट मिलने पर वैल्यू डाउन हो रही थी, और हीट नहीं मिली जब कूल यानी कि ठंडी एयर या ठंडे पानी में आप इसको टिप करेंगे, वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है, तो मतलब कि ये भी सेंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। या तो रेजिस्टेंस ना बने, बिल्कुल बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना शो हो, तो आपका ये सेंसर ख़राब है। वो अगर शो हो और इसको गर्म करने से ठंडा करने से रीडिंग अप डाउन ना हो तो फिर भी ये ख़राब है। रीडिंग भी शो होनी चाहिए और इसको हीट मिलने पर टेम्परेचर इसकी रेजिस्टेंस डाउन, हीट ना मिलने पर रेजिस्टेंस अप इसकी होगी, तभी सेंसर सही माना जाएगा। अक्सर चूहे ने किसी ना किसी साइड से काट दिया जाता है तो आपको वैल्यू बिल्कुल भी शो नहीं होगी। और हाँ, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, आपस में कंटिन्यू भी नहीं आनी चाहिए, रेजिस्टेंस बनेगी फिर ही हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। तो इसका मैंने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे इसको टेस्ट किया जाता है, बहुत ही आसान था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।